चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब बात संसद में 5 दिन से जारी सियासी संग्राम की करते हैं। सियासत में संसद ठप। जी हां, सियासत ने 5वें दिन भी संसद नहीं चलने दी। हंगामे की वजह से लगातार 5वें दिन भी संसद नहीं चली। राहुल और अदानी मामले पर संसद में भारी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद स्थगित हो गई। कांग्रेसी सांसदों ने राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगाए। सदन 20 मार्च तक स्थगित होने के बाद विपक्ष ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस सहित 16 विपक्षी दलों ने संसद में प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों के प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी। मंत्री और सांसद राहुल गांधी से उनके लंदन में दिए गए बयानों के लिए माफी मांगने को कह रहे हैं। बीजेपी राहुल को निशाना बना रही है तो कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर वार कर रही है। मोदी खुद डर गए हैं। मोदी जी की 56 इंच की छाती सिकुड़ने लगे हैं। लोगों में सवाल पैदा हो गए हैं कि मोदी जी और अदानी जी की अंदर क्या ताल्लुकात है, अंदर की बात क्या है जो बाहर नहीं लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं सत्तारूढ़ पार्टी। तो हमारी मांग है कि अदानी और मोदी जी की अंदरूनी जो उनका जो संबंध हो क्या है, और इसलिए हम JPC मांग कर रहे हैं। सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए, माफ़ी मांगे। आज मैं इतने कह सकता हूँ, राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल लायर।